फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिप्राइज क्रिएशन। और मैं हूँ आपकी दोस्त शिप्रा। तो हाजिर हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। और इस बार की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कार्डबोर्ड से आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, और वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैं चाहूँगी ज़रूर आप एक बार ट्राई करें, अगर आप भी चाहते हैं कुछ यूनिक करना और कुछ डिफरेंट करना, और वो भी बिल्कुल बिना खर्च के, तो आपको ये DIY ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना प्यार देंगे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है, और उसके बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे ब्लू कलर और ब्लू एंड वाइट कलर को मिक्स करके एक बैकग्राउंड बना लिया है। जब आपका बैकग्राउंड चुप के रेडी हो जाए, देन उसके बाद आपको लेना है एक वाइट वूल और ग्लू। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है, और मैंने इसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को सबसे पहले ड्रॉ कर लिया था। देन उसके बाद उस पेंटिंग के ऊपर मैं ग्लू का एक कोटिंग करते हुए अपने वाइट वूल को प्लेस करती जा रही हूँ। आपको ये काम धीरे धीरे और बहुत नीटली करना है, ताकि जब ये सूख जाए तो उसके बाद एक प्रॉपर फिनिशिंग आए। फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप बहुत सारे DIYs कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में। और ये सबसे चीप मटेरियल है जो कि अवेलेबल होता है, और आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसी बातों बातों में और आपको थोड़ा कार्डबोर्ड के बताते बताते मेरी ये पेंटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। आप चाहे तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, या किसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर अपने शोपीस में भी इसको लगा सकते हैं। ये इसका फाइनल लुक है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड DIY। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप ले रही है, जिसकी लेंथ है 38 सेंटीमीटर और विड्थ है 14 सेंटीमीटर। ऐसी टोटल मुझे यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स ले लेनी है, और तीनों को आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रॉन्ग मोटा बेस तैयार कर लेना है। अब मैंने लिया है एक ब्राउन कलर का चार्ट पेपर। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में 10 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप चार्ट पेपर यूज़ नहीं करना चाहते और आपके घर पे वॉलपेपर अवेलेबल है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पूरे को चार्ट पेपर से कवर कर लेना है। ये कवर होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का एक और टुकड़ा, जो कि 27 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 14 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। और इसको भी मैंने स्ट्रेंथ देने के लिए 2-2 पार्ट्स में ले लिया है। ऐसे टोटल मैंने यहाँ पे 2 बना के रेडी कर लिए हैं। अब ना हम इसको अच्छे से प्लेस करेंगे।
दोनों टुकड़ों को हमें ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से चिपका देना है। एक को मैंने नीचे चिपका है और एक को थोड़ा सा गैप रख के थोड़ा ऊपर चिपकाया है। ये चिपक तो गए हैं पर ये इतने स्ट्रेंथ नहीं होती है कि ये वजन सह सके, तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे पास ये कील है जो हम इसमें ठोक के इसको थोड़ा सा मजबूत कर देंगे। ठोक पीट के मजबूत करेंगे तभी ये हमारे काम आएगा। इसलिए और ये बनके रेडी है। अब आप इसको अपनी वॉल पे एक हुक के थ्रू भी टंगा सकते हैं और स्टिकी पिन्स आती हैं उसके थ्रू भी इसको आप हैंग कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा शेल्फ बनके रेडी है। आप इसमें अपने छोटे छोटे शो पीस को हैंग कर सकते हैं। नाउ अब टाइम है थर्ड DIY का, तो उसके लिए मैंने फिर से एक कार्डबोर्ड का पीस यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसको नीटली कट कर लेंगे और इसी तरह मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 पीस। और इस अब लिया है मैंने यहाँ पे एक वॉलपेपर और इस वॉलपेपर की हेल्प से हम चारों कार्डबोर्ड पीसेस को अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर होने के बाद ये सारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नाउ इट्स अ टाइम फॉर आर क्रिएटिविटी। तो अब हम यहाँ पे कुछ कोटेशंस लिखने वाले हैं जो कि आपको मोटिवेट करे और आप जिनको पढ़ के गुड फील कर सकें। अब ले ली है मैंने एक जूट रोप और इस जूट रोप के ऊपर मैंने इन चारों कार्डबोर्ड पीसेस को अच्छे से अटैच कर देना है। अच्छे से अटैच करने के बाद आपकी वॉल हैंगिंग बनके रेडी है और ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। तो ये सारे DIYs आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।